नमस्कार दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री तो बन गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक बड़ी भूल हो गई थी। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में पदभार संभाल चुके हैं। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में बुधवार को उस समय बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन करना ही भूल गए थे। दरअसल शपथ लेने के बाद सभी मंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति को नमस्कार करते हैं, यानी उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा करना भूल गए। शपथ के बाद सीधा महाराज राष्ट्रपति को छोड़ सबको अभिवादन कर सीधा कुर्सी पर बैठने के लिए जाने लगे। जब किसी ने उन्हें याद दिलाया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से राष्ट्रपति को नमस्कार किया। हालांकि आम तौर पर शपथ ग्रहण के बाद ऐसी चूक नहीं होती है, लेकिन सिंधिया से ऐसी चूक हो गई। उल्लेखनीय है कि गुना से 4 बार लोकसभा सांसद रहे सिंधिया कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में एवं भाजपा की सरकार बनाने में भी सिंधिया ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। वे अपने समर्थकों विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि सिंधिया पिछला लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन्हें गुना से कृष्णपाल सिंह यादव के सामने चुनाव हारना पड़ा था। भाजपा में आने के बाद सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। हालांकि उनके साथ ही मध्य प्रदेश के ही डॉक्टर बीरेन्द्र खटीक ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं और जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। ट्रोल करते हुए कहा जा रहा है कि महाराज को नरेंद्र मोदी ने झुंझुना थमा दिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास किसान की कुटीर में जाने का समय नहीं है, उनके पास पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने का पूरा समय है। हालांकि कई बातें उन्होंने कही, आप खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है चीन का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झूला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। इस वीडियो को श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब सिंधिया जी भी बिरयानी खाने मोदी जी के साथ पाकिस्तान जाएंगे क्या? खैर आखिरी किस्त मुबारक हो।